अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोग के। आज हम आपके सामने एक ऐसा व्लॉग लेके हाज़िर हुए हैं जो एक मॉल जो बिल्कुल जल के राख हो चुका था उसने किस तरह से दोबारा अपने आप को बिल्डअप किया और किस तरह दोबारा हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो उस चीज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये देखने के बाद हमें ज़रूर कॉमेंट्स करके बताइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको ये आपको अंधेरा नज़र आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको एक ऐसी जगह पर लेके चल रहे हैं, एक ऐसा मॉल दिखाने लेके चल रहे हैं जो तकरीबन 2 साल पहले बिल्कुल जल के राख हो गया था और उसकी दोबारा से जो है इसको लोगों ने हिम्मत करके उसको जो है दोबारा से बिल्डअप किया है। तो हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। हम इस वक्त कराची के हालात के मुताबिक रिक्शा में बैठे हुए हैं और बड़े ही धक्के खा के चले, कोई मसला नहीं है, आप लोगों के लिए ये भी कर लेंगे। तो दिखाते हैं आपको वहाँ पर चल के कि क्या था और क्या हो गया। हम इसके बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स आपके साथ शेयर करेंगे और यहाँ पर चल के आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ रखी हैं। आज वहाँ पर 20% डिस्काउंट भी है तो देखते हैं कुछ लेते भी हैं, आप लोगों के लिए नहीं मेरे लिए। जी हम पहुँच गए हैं बिल्कुल, ये बहुत अच्छी फूड स्ट्रीट भी है और ये देखिए ये जो है नया मॉल स्टार्ट हुआ है माइलस्टोन के नाम से और यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत है। आज अंकल बताते हैं तो बड़ी बेचैनी हो रही है, हट ही नहीं रहे हैं सामने से, ये अंदर भी चलते हैं और देखते हैं। चलिए, बहुत खूबसूरत से इन्होंने बनाया है माइलस्टोन, इस एरिया के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। चलिए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपका नाम प्लीज़। शौकत नाम है मेरा। अच्छा, ये वही है उनको दोबारा से रिनोवेट किया है या कोई इसके चेंज हुए हैं इसके ऑनर्स वगैरह या? जी जी जी, ये तो वही है लेकिन अभी हमारे साथ जो लोग मर्ज हैं उनमें ये हैं अशफाक भाई हैं और ये माइलस्टोन जो क्लिफ्टन पे है, जो मैं वही पूछना चाह रही थी क्योंकि वो तो कॉपीराइट्स का इशू होता है उनमें, क्लिफ्टन वाला ही सेटअप है। अच्छा अच्छा, हमने दोबारा कोशिश की छोटी सी कि दोबारा वही चीज़ें दें। अच्छा, चलें तो आपको बहुत मुबारक हो, हम लोग पहले भी यहीं आते रहे हैं और अभी भी इंशाल्लाह आते रहेंगे, तो बहुत अच्छी कोशिश है इस एरिया के हिसाब से आपकी। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको कामयाब करें। थैंक यू। माशाल्लाह ओपनिंग के टाइम पे ही बहुत रश है। बेकरी आइटम्स भी हैं तो अभी इनके पास इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं है, शायद आज ओपनिंग की वजह से या शायद हम लेट हो गए। चल रहे हैं बेसमेंट में, बेसमेंट में उन्होंने क्रॉकरी आइटम वगैरह रखे हैं, मशीनरी है। वहाँ पर हैं मेरी फेवरेट बॉटल्स, कौन सी बॉटल लूँ आप लोग बताइए कौन सी लूँ। आई थिंक हाँ हाँ, कमेंट्स करके बताइएगा। आई थिंक दिस वन इज़ बेटर ना, इसमें और कलर हैं। भी जब ये शॉप जब बर्न हुई थी उससे पहले भी आप यहाँ पर थे या अभी आपने यहाँ पर स्टार्ट किया? तो वो जो पहले जो था वहाँ आपकी शॉप थी तो उसमें आपकी शॉप को नुकसान कितना हुआ था वहाँ पर? मतलब ये जब पहले जो जली थी ये जो मैं वन विंडो पे नहीं था, हम शुरू से माइलस्टोन पे। हाँ तो मैं वही पूछ रही हूँ यहाँ पर, नहीं मैं माइलस्टोन की बात नहीं कर रही थी, वन विंडो तो पूरा बर्न हो गया था ना, तो इसीलिए पूछ रही थी आपके, आप न्यू हैं यहाँ पर माइलस्टोन से क्लिफ्टन से यहाँ आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके
इसके बारे में, आग लगी इसके बारे में हमें नहीं पता। ओके, मतलब पुराने कोई भी नहीं है जिनसे हम हाउ नो ले सकेंगे, क्या है? सारी माइलस्टोन की टीम आई है क्लिफ्टन की। अच्छा, सारी टीम माइलस्टोन की। तो क्लिफ्टन की टीम आप लयारी में लेके आए हो, आपको यकीन है ये उतना ज्यादा वर्क करेगी? तो फिर इस पे मुझे 50% डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे? देखे ये ऑनलाइन कह रहे हैं, ऑन ईयर आके कह रहे हैं मुझे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं इस बॉटल पे। हम बात करते हैं ऊपर, ओके करेंगे तो आप दे देंगे। ठीक, ये हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं इसके। लिफ्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। लॉट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन बहुत गर्म है, नीचे चल के देखते हैं। यहाँ पर बेड्स की वैरायटी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। दिखाओ कौन सा अच्छा है। अभी हम साथ क्या ले रहे हो? कपकेक्स ले लो। अरे ही बढ़िया, क्यों? वो ब्रांड में। अच्छा अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी चल रही है अभी तक? तो क्यों नहीं बता रहे, शर्मा क्यों रहे आप? अच्छा, ये नीचे जो है ब्राउनीज, एक लाइट एक तो वो डार्क वाली, दोनों